योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना, सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाएं और दाईं ओर झुकाना, सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कानों को कंधे से उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना, सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ उतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सिद्ध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना, सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों व मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द तथा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह अभ्यास आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन, दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों, पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें, भुजाओं को बगल में रखें, श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस लाएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंद चक्र, सीधा खड़े हो जाएं, बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना, पांवों को परस्पर 2 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। सांस छोड़ें, शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें, शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं, सांस लेते हुए धीरे धीरे करें।
मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें, खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं, सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें, दो बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक अर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। प्रज्ञा योग ताड़ासन। पादहस्तासन। वज्रासन। उष्ट्रासन। योग मुद्रा। अर्ध ताड़ासन। शशांकासन। भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन बाईं ओर, त्रियक भुजंगासन दाईं ओर, शशांकासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, पादहस्तासन, ताड़ासन, बलाकर्षण। मंत्रों के साथ ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम तत्, ओम सवितुः, ओम वरेण्यम्, ओम भर्गो, ओम देवस्य, ओम धीमहि, ओम धियो, ओम योनः, ओम प्रचोदयात्, ओम भूः। ओम भुवः, ओम स्वाहा, उत्कटासन। यह आसन घुटने, जंघाओं और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। घुटनों में दर्द की समस्या वाले व्यक्तियों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। दोनों पैरों के मध्य में 1 फीट के अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने समानांतर उठाएं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी,
श्वास छोड़ते हुए घुटनों से पैरों को मोड़कर तथा एड़ियों को ऊपर उठाते हुए अपने कुल्हों को एड़ियों से लगा दे। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ देर स्थिर रहें, तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। इसे उत्कटासन कहते हैं। पाद हस्तासन। पाद अर्थात पैर और हस्त अर्थात हाथ दोनों को एक साथ रखने से इसे पादहस्तासन कहते हैं। यह आसन पाचन तंत्र को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है, मेरुदंड की तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए कमर को आगे की ओर झुकाते हुए दोनों पैरों के पंजों के साथ बगल में हथेलियों को रखें, सिर और घुटनों से स्पर्श कराएं, घुटनों को सीधा रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण तक रुके, तत्पश्चात श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाइए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण। इस आसन में शरीर में तीन कोण बनते हैं, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से कमर दर्द, साइटिका के दर्द में आराम मिलता है, शरीर की बनावट में आई विकृतियों को दूर करता है। कमर दर्द में इस आसन का अभ्यास न करें। दोनों पैरों के मध्य में 2.5 से 3 फीट का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को शरीर के समानांतर रखते हुए कंधों के बराबर उठाएं। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ सीधा कर दें। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करें। दाहिने हाथ को ऊपर की ओर खींचें। दाहिने हाथ की हथेली की तरफ देखें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ क्षण तक रुके रहें, तत्पश्चात श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। इस स्थिति को दाहिनी तरफ से भी दोहराइए। गुप्तासन। इस आसन से मेरुदंड में उत्पन्न दोष ठीक होते हैं। यह शांति, स्थिरता और भावनात्मक संतुलन लाता है। जिन्हें हृदय से संबंधित रोग, अस्थमा, तीव्र व जीर्ण संधि रोग हो, वे लोग इसका अभ्यास ना करें। पद्मासन में बैठ जावें। भुजाओं का सहारा लेते हुए नितंबों को उठाएं और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। धीरे धीरे शरीर के सामने वाले भाग को आगे झुकाते हुए भूमि पर पेट के बल लेट जाएं। ध्यान रहें, ठुड्डी भूमि पर रहें। अब हथेलियों को कमर के पीछे पीठ की ओर ले जाकर प्रणाम की स्थिति में जोड़ लेवें। अंतिम स्थिति में आँखों को बंद रखें और शरीर को शिथिल करें। इस स्थिति में कुछ क्षण तक रुके रहें और उसके बाद क्रमशः वापस आ जाएं। सिंहासन। संस्कृत में शेर को सिंह कहते हैं। साधक की आकृति शेर की तरह बनने से इसे सिंहासन कहते हैं।
इस आसन से गर्दन व वक्षीय मांसपेशियों में रक्त संचरण ठीक रहता है, थायराइड को स्वास्थ्य प्रदान करता है और टॉन्सिल्स के कुछ प्रकारों में भी यह लाभकारी है। आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, अवसाद के लक्षणों को दूर करता है। वज्रासन में बैठ जाइए, उसके बाद दोनों घुटनों के बीच उचित दूरी बना लेवे। दोनों पैर के एड़ियों को थोड़ा सा फैलाते हुए उसी कैंची की आकृति पर बैठ जाएं। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच भूमि पर रखें। ध्यान रहे कि हाथ की अंगुलियां अंदर की ओर हो तथा वक्षीय भाग उभरा हुआ हो। अब पूरा श्वास छोड़ते हुए जिह्वा को आवाज के साथ बाहर निकालें। दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य पर स्थित करें। जब तक सांस रोक सकते हैं तब तक रोकने का प्रयास करें। इसी स्थिति में कुछ क्षण रुके रहें, तत्पश्चात श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाइए। उष्ट्रासन। इस आसन में ऊंट की तरह शरीर की आकृति होने के कारण इसे उष्ट्रासन कहते हैं। यह आसन पाचन, श्वसन और प्रजनन संस्थान के लिए लाभकारी है। पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधे के कड़ेपन को दूर करने में सहायक है। हृदय एवं फेफड़ों को सुदृढ़ करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। ध्यान रहे जिन्हें उच्च रक्तचाप हो तथा पीठ में गंभीर दर्द हो वे लोग इस आसन का अभ्यास न करें। वज्रासन में बैठ जाएं तथा दोनों घुटनों के बीच उचित दूरी बनाकर घुटनों के बल खड़े हो जावें। श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर झुकावें और दोनों हाथों की हथेलियों से एड़ियों को पकड़ लें। कमर को हल्का सा आगे की ओर दबाएं, गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ क्षण रुके, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। सुप्त वज्रासन। वज्रासन में पीछे की तरफ लेट जाने से या सो जाने से इसका नाम सुप्त वज्रासन पड़ा है। यह आसन दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े के रोगों को दूर करने में सहायक है। सृजनात्मकता और बुद्धि का विकास भी करता है। जिन्हें साइटिका, स्लिप डिस्क, मेरुदंड के निचले भाग के रोगों से पीड़ा हो तथा घुटनों में दर्द हो वे इस आसन को न करें। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ की कोहनियों को थोड़ा सा पीछे की तरफ जमीन पर लगाएं और धीरे से पीठ और सिर भूमि पर लगाकर लेट जाएं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ से ले जाकर कंधों को पकड़ लें। अंतिम स्थिति में सामर्थ्य अनुसार रुकें और कुछ देर रुकने के बाद विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमाव। शरीर को कमर से पीछे की ओर घुमाने की स्थिति से इस आसन को वक्रासन कहते हैं। यह आसन अफारा, स्नायु दुर्बलता को दूर करता है, मधुमेह के रोगियों के लिए भी उपयोगी है। दंडासन में बैठ जाएं, अपना बायां पैर मोड़कर
बाएं पंजे को दाएं घुटने के पास रखें, घुटना ऊपर की ओर हो, दाहिने हाथ को बाएं घुटने की बाईं तरफ से निकालकर हथेली को जमीन पर रख लें और बायां हाथ कमर के पीछे रखें। बाएं हाथ के कंधे के ऊपर से बाईं तरफ जितना पीछे हो सकता है देखें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुके रहें और कुछ देर के बाद विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। मत्स्यासन। यह आसन हृदय एवं फेफड़ों को सुदृढ़ करता है, श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक है, ग्रीवासूल एवं कमर दर्द में भी लाभकारी है। ध्यान रहे वापस आते समय गर्दन को झटका न दें और गर्दन को घसीटे नहीं। पद्मासन में बैठ जाइए, उसके बाद दोनों हथेलियों और कोहनी के सहारे पीठ के बल लेट जाएं और सिर को जमीन पर स्पर्श कराएं। अब दोनों हाथ की हथेलियां कंधों के पास जमीन पर रखकर हाथों के बल सिर को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं और सिर के मुर्दा भाग को जमीन पर लगा दें। हाथों को वापस लाकर दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ लें। ध्यान रहे कोहनियां जमीन पर ही लगी रहें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ क्षण रुकें, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आएं। नौकासन। साधक के शरीर की आकृति नाव के जैसे बनने के कारण इसे नौकासन कहते हैं। यह आसन मंदाग्नि और मधुमेह के लिए उपयोगी है। ध्यान रहे जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय विकार व मेरुदंड में दर्द की शिकायत हो तो वे लोग न करें। पीठ के बल लेट जाइए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैर, हाथ और सिर को जमीन से लगभग 40 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं। अंतिम स्थिति में श्वास रोककर सामर्थ्यानुसार रुकें, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। शलभासन। संस्कृत में टिड्डी को शलभ कहा जाता है। टिड्डी के जैसे शरीर की आकृति बनने से इसे शलभासन कहते हैं। यह आसन पाचन में लाभकारी है, कब्ज को दूर करता है, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करता है, कमर दर्द में लाभकारी है। ध्यान रहे जिन्हें उच्च रक्तचाप व हृदय विकार हो तथा दमा के रोगी हो, वे लोग इस आसन का अभ्यास न करें। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके उनको जांघों के नीचे रखें, ठुड्डी को जमीन पर लगा लें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सामर्थ्यानुसार ऊपर उठाएं। ध्यान रहे दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखना है। अंतिम स्थिति में श्वास रोककर सामर्थ्यानुसार रुकें, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आ जाएं।
मयूरासन। यह आसन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सामंजस्य लाता है, मानसिक एवं शारीरिक संतुलन को विकसित करता है तथा पेशियों को मजबूत करता है। त्रिदोषों के बीच संतुलन व सामंजस्य लाता है। ध्यान रहे, जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय विकार हो, हर्निया, पेप्टिक व ड्यूडेनियल अल्सर हो, वे लोग इस आसन का अभ्यास न करें। वज्रासन में बैठ जाइए, पंजों को एक साथ रखें, घुटनों को एक दूसरे से अलग कर लें, सामने की ओर झुकें और दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां पंजों की ओर हो। कोहनियों एवं भुजाओं के आगे के भाग को एक साथ रखें तथा कुछ और आगे झुकें। उदर को कोहनियों पर टिकाएं और वक्ष को भुजाओं के ऊपरी भाग पर रखें। पैरों को पीछे की ओर इस प्रकार फैलाएं कि वे सीधे और एक साथ रहें। शरीर की पेशियों पर बल डालते हुए धीरे धीरे धड़ एवं पैरों को इस प्रकार ऊपर उठाएं कि वे जमीन के समानांतर हो जाएं। सिर को ऊपर उठाकर रखें। अब संपूर्ण शरीर का भार केवल हथेलियों के ऊपर संतुलित रहेगा। पेशियों पर अधिक जोर लगाकर पैरों और पंजों को और ऊंचा उठाने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में सामर्थ्य अनुसार रुके रहें, तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। कुक्कुटासन। यह आसन भुजाओं एवं कंधों की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है तथा वक्ष को फैलाता है और शरीर में संतुलन एवं स्थिरता की भावना को विकसित करता है। पद्मासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को घुटनों के पास पिंडलियां और जांघों के बीच में लेकर आइए। धीरे धीरे भुजाओं को पैरों के बीच कोहनियों तक आगे बढ़ाएं। हथेलियों को जमीन पर स्थिर रखें तथा अंगुलियां सामने की ओर रहें। सिर को सीधा और दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर रखें। श्वास भरते हुए केवल हाथों के सहारे शरीर को ऊपर उठाएं और पीठ को सीधा रखें। अंतिम स्थिति में श्वास रोककर सामर्थ्य अनुसार रुकें, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए क्रमशः वापस आ जाएं। गर्भासन। यह आसन एड्रिनल ग्रंथि का नियमन करता है और उत्तेजित मन को शांत करता है तथा जो लोग अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रख पाते उन्हें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए तथा जठराग्नि को उद्दीप्त भी करता है। पद्मासन में बैठ जाएं, भुजाओं को जांघों एवं पिंडलियों के बीच इतना अंतर ले जाएं कि पिंडलियों के नीचे से कोहनियों को आसानी से मोड़ा जा सके। भुजाओं को ऊपर की ओर मोड़ें और पैरों को उठाएं। पूरे शरीर को रीढ़ की सबसे निचली हड्डी त्रिकास्थि पर संतुलित करते हुए कानों को पकड़ें। अंतिम स्थिति में सामर्थ्य अनुसार रुकें, तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। गोरक्षासन। इस आसन में मूल बंध स्वतः लग जाता है, इसलिए मूलाधार चक्र के जागरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह प्रजनन एवं उत्सर्जक अंगों को पुष्ट करता है। यह पैरों को भी बहुत लचीला बनाता है। पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं, घुटनों को मोड़ें, पंजों को पकड़ लें और तलवों को मिला दें। एड़ियों को मूलाधार तक लाएं और हाथों को जमीन पर टिकाकर एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं, जिससे एड़ियों का दबाव मूलाधार पर पड़े। दोनों घुटने जमीन पर रखें और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें। मेरुदंड को सीधा करें और सामने देखें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुके रहें, तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। शवासन। शरीर की स्थिति
मृत शरीर के समान अचल होने के कारण इसका नाम शवासन पड़ा है। यह आसन संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त करता है। इससे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाता है, तब मन की सजगता में वृद्धि होती है, जिससे प्रत्याहार अवस्था आ जाती है। शवासन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लीजिए, दोनों हाथ कमर भाग से थोड़े दूर, अपने श्वास और प्रश्वास को सामान्य रखिए। शवधन आसन शव की तरह लेटे रहिए। इस आसन में अपने सारे शरीर को शिथिल करना होता है। अपने पैरों के अंगूठों से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिल और शांत किया जाता है। साक्षी भाव से अपने एक एक अंग को शिथिल और शांत कीजिए। सर्वप्रथम पैरों के अंगूठों को, अंगुलियों को, पैरों के तलवे, एड़ियां, टखने, पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, गुप्तांग, नितंब, संपूर्ण कमर भाग, पेट, पेट का हिस्सा, छाती, दोनों कंधे, हाथ की भुजाएं, दोनों कोहनियां, हाथ की कलाइयां, हथेलियां, हाथ के अंगूठे, दोनों हाथ की अंगुलियां, गर्दन भाग, ठुड्डी, दोनों होठ, नासिका, दोनों गाल, दोनों आँखें, दोनों कान, ललाट, सिर का ऊपरी भाग, सिर का दायां बायां भाग,
सिर का पीछे का भाग संपूर्ण शरीर शिथिल और शांत होता हुआ शवासन से बाहर आने के लिए दोनों पैरों को हिलाते हुए पास पास लेकर आइए। दोनों हाथ कमर भाग के पास किसी एक दिशा में करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। कोमलता से अपने चेहरे को सहलाइए। आंखों पर बिना दबाव डाले स्माइलिंग फेस के साथ धीरे से आंखें खोल दीजिए। काकी मुद्रा। यह मुद्रा उच्च रक्तचाप को कम करती है, रक्त का शोधन करती है तथा इससे त्वचा के रोग जैसे खाज, खुजली, फोड़े फुंसी, एसिडिटी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। पाचक रसों का स्राव बढ़ जाता है जो पाचन संस्थान को शक्तिशाली बनाते हैं। काकी मुद्रा द्वारा गुदा, उदर, कंठ एवं हृदय विकार भी दूर हो जाते हैं। होठों को कुएं की चोंच के समान आकृति बनाकर धीरे धीरे वायु अंदर खींचकर उसका पान करें। यह क्रिया सभी रोगों को नष्ट करने वाली काकी मुद्रा है। कुछ बार श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को इस मुद्रा के साथ दोहराएं। अश्विनी मुद्रा। यह मुद्रा मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। मलाशय संबंधित दोष जैसे कब्ज, बवासीर, गर्भाशय या मलाशय भ्रंश को भी दूर करती है। जिन्हें गुदानाल पिस्टुला हो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान के किसी आसन में बैठ जाएं। गुदा द्वार को धीरे धीरे संकुचित करते हुए पूरक करें। मांसपेशियों को संकुचित करते रहें और उसके साथ साथ में अंतःकुंभक लगाएं। तत्पश्चात रेचक करें और संकुचित मांसपेशियों को शिथिल करें। इसी क्रम को बार बार दोहराएं। और कुछ बार दोहराने के बाद रोक दीजिए। महाबंध। त्रिबंधों को एक साथ करने के कारण इसे महाबंध कहा जाता है। महाबंध से तीनों बंधों के लाभ प्राप्त होते हैं। यह पीयूष ग्रंथि का हार्मोन स्राव को भी प्रभावित करता है तथा संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र की कार्यप्रणाली को भी नियमित करता है तथा क्षय रोग, ह्रास और बुढ़ापे की प्रक्रियाओं को भी थामता है। जब तक अन्य तीनों बंधों में दक्षता प्राप्त ना हो जाए महाबंध लगाने का प्रयास ना करें। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के दौरान तथा हर्निया, आमाशय या आंतों के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पद्मासन में बैठें, कमर गर्दन एक सिद्ध में तथा हाथों को घुटनों पर रखें। धीरे धीरे नासिका से गहरी सांस लें। तत्पश्चात मुंह से सांस को तेजी से बाहर निकालें। क्रमशः जालंधर, उड़ियन बंद और मूल बंद लगाएं। सहजतापूर्वक जब तक हो सके रोककर अब मूल बंद, उड़ियन बंद और जालंधर बंद को एक एक करके छोड़ें। जब गर्दन सीधा हो जाए तब धीरे धीरे नासिका से सांस लें।
भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम से त्रिदोषों में संतुलन बना रहता है। यह प्राणायाम मन को शांत व एकाग्र बनाता है, आंतरिक अंगों की मालिश करता है, पाचन संस्थान को पुष्ट करता है तथा दमा व फेफड़ों से जुड़े हुए रोगों का निवारण करता है। ध्यान रहे जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर हो, वे लोग इसका अभ्यास ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम। इस अभ्यास में लोहार की धोखनी के समान श्वास बहुत गति से लेना होता है और उतनी ही गति से प्रश्वास करना होता है। इस अभ्यास को हम 10 से 15 बार करेंगे, 15 आवृत्ति तक। आरंभ करें। अब दाहिने हाथ की नासिका मुद्रा बनाते हुए बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास भीतर लें। अंतः कुंभक लगाएं जालंधर बंद लगाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार, और उसके बाद में बाईं नासिका से कंप्लीट एक्जेल करें पूर्ण प्रश्वास, और आराम से रिलैक्स। इस अभ्यास के द्वारा शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करें। इस प्रकार यह अभ्यास पूर्ण हुआ। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से तनाव, चिंता, क्रोध, अनिद्रा व रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। यह उत्तकों को शीघ्र स्वस्थ बनाता है तथा वाणी में सुधार लाता है। भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा लीजिए, गहरी श्वास भीतर लीजिए और भ्रंवर का गुंजन करते हुए प्रश्वास कीजिए। इस प्रकार 2 आवृत्ति और कीजिए। तीन बार हो जाने के बाद में रोक दीजिए और इस प्राणायाम के द्वारा जो अनुभूति हुई उसे महसूस करें। इस प्रकार यह अभ्यास पूर्ण हुआ। आइए अब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें और अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें, अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ रखें, भुजाएं और कंधे ढीले हों और आराम की स्थिति में होने भी चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। यह एकाग्रता स्मृति के विचारों की स्पष्टता,
तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। यह सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहिए, एकदम सहज हो जाइए।
अपने स्वयं को एक स्वस्थ शांति प्रिय आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख समृद्धि एवं शांतिमय स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। शांति शांति।